नमस्कार साथियों आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एम लेकर आए हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज टाइफाइड से हैं फर्स्ट एम है हमारा कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एंट्रिक फीवर इज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एंट्रिक फीवर होता है इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है ऑप्शन ए कोलाई ऑप्शन बी स्टफाइलोकोकस और ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम ऑप्शन डी सेलमोनीला टाइफी देखिए इंट्रिक फीवर जो होता है इसको टाइफाइड फीवर भी कहते हैं इसको टाइफाइड फीवर कहते हैं और जो टाइफाइड फीवर होता है यह सेलमोनिला टाइफी के द्वारा होता है तो एंट्रिक फीवर का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होगा वो होगा सेलमोनीला टाइफी तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर जो माइकोबैक्टीरियम होता है यह ट्यूबर काउज का करता है और जो स्टेफाइलोकोकस ऑरिस होता है यह स्किन इन्फेक्शन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन काउज करता है कोलाई जो होता है यह यूटीआई काउज करता है क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइफाइड में कौन सा पार्ट होता है बॉडी का जो अफेक्ट होता है प्रभावित होता है ऑप्शन ए लंग्स ऑप्शन बी इंटेस्टाइन ऑप्शन सी लीवर ऑप्शन डी पेनक्रियाज देखिए जो टाइफाइड फीवर होता है इसको एंट्रिक फीवर कहते हैं और जो एंट्रिक फीवर होता है वह इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है तो टाइफाइड फीवर किसको अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर और लंग्स जो होते हैं यह है ट्यूबर जो होता है टी नामक जो रोग होता है वह लंग्स को अफेक्ट करता है निमोनिया और ट्यूबर क्लोसिस ये लंग्स को अफेक्ट करते हैं और जो लीवर होता है वह लीवर सरोसिस में अफेक्ट होता है और पेनक्रियाज जो होता है वह डायबिटीज़ में अफेक्ट होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रिक फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय क्वेश्चन का कह रहा है कि जो एंट्रिक फीवर होता है वह किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है फैलता है ऑप्शन ए इनहेलेशन, ऑप्शन बी इनगेशन ऑप्शन सी इनोकुलेशन ऑप्शन डी इंसेक्ट देखिए जो एंट्रिक फीवर होता है यह फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिट होता है फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिट होता है फीको ओरल रूट में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब इन्फेक्टेड जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर होता है उसका इनगेशन करता है तो इसके द्वारा एंट्रिक फीवर फैलता है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंट्रिक फीवर ही ट्रांसमिटेड वाई तो होगा इनगेशन इसमें क्या होता है कंटामिनेटेड और कंटामिनेटेड फूड और वाटर को कोई व्यक्ति इनगेशन करता है तो एंट्रिक फीवर फैलता है इनहेलेशन के द्वारा जो फैलती डिजीज फैलती है वो होती है न्यूमोकोनियोसिस न्यूमोकोनियोसिस में जो डिजीज आती हैं तो वो सभी इनहेलेशन के द्वारा होती हैं और इनोकुलेशन में क्या होता है इनोकुलेशन तो कहते हैं टीका को जो टीका होता है इम्यूनाइजेशन उसको इनोकुलेशन कहा जाता है यह डिजीज में इसमें क्या होता है डिजीज के लिए नहीं बल्कि ये डिजीज़ से रोकने के लिए इनोकुलेट किया जाता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ पेशेंट जो होते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं या इम्यूनो सप्रेसिव जो ड्रग्स लेते लेते हैं उनमें ये भी डिजीज को काउज कर सकता है इंसेक्ट के द्वारा कौन सी डिजीज होती हैं जैसे मॉस्किटो हो गए लाइस हो गई ये क्या होते हैं बिक्टर होते हैं और बिक्टर के द्वारा जैसे मलेरिया येलो फीवर ये सभी इंसेक्ट के द्वारा फैलने वाली डिजीज़ होती हैं तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है टाइफाइड के लिए ऑप्शन ए एलाइजा ऑप्शन बी सिक टेस्ट ऑप्शन सी बिडाल टेस्ट ऑप्शन डी माउंटेक्स टेस्ट देखिए जो टाइफाइड फीवर के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो होता है बिडाल टेस्ट तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होता है बिडाल टेस्ट ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर अलाइजा टेस्ट जो होता है वह एड्स में ए आई डी एस एड्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और जो सिक टेस्ट होता है यह डिप्थीरिया में यूज किया डिपथेरिया को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है डिप को डायग्नोज करने के लिए सिक टेस्ट यूज किया जाता है और जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है यह ट्यूबर क्लोसिस को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है सलमोनिला ए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सलमोनिला Salmon, क्या है ऑप्शन ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑप्शन बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑप्शन सी ग्राम पॉजिटिव वायरस ऑप्शन डी ग्राम नेगेटिव वायरस देखिए जो सलमोनिला टाइफी होता है यह है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर और वायरस की बात करें तो यह वायरस तो नहीं होता है तो ये दोनों कैंसिल हो गए और जो ग्राम पॉजिटिव ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं होता है इसलिए ये गलत हो गया तो जो सलमोनला टाइफी होता है वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ सलमोनाला टाइफी इज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सलमोनला टाइफी होता है इसका इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है ऑप्शन ए सेवन टू टेन डेज ऑप्शन बी टेन टू फोर्टीन डेज ऑप्शन सी सिक्सटीन टू एटीन डेज ऑप्शन डी एटीन टू ट्वेंटी वन डेज देखिए जो सलमोनिला टाइफी का इनक्यूबेशन जो पीरियड होता है वह होता है टेन टू फोर्टीन डेज तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर इनक्यूबेशन पीरियड होता क्या है बैक्टीरिया वायरस के बॉडी में एंटर करने के बाद जब उसका फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है उस पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं और ये टाइफाइड सलमोलेना टाइफी का जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है वह होता है टेन टू फोर्टीन डेज़ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है पी सूप डायरिया सीन इन क्वेश्चन का कह रहा है जो पी सूप डायरिया होता है वह किसमें देखने को मिलता है ऑप्शन ए टाइफाइड ऑप्शन बी कॉलरा ऑप्शन सी डिसेंट्री ऑप्शन डी पोलियो देखिए जो पी सूप डायरिया जो होता है यह टाइफाइड में देखने को मिलता है तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टाइफाइड का जो क्लिनिकल फीचर होता है मेन क्लिनिकल फीचर होता है वह होता है पी सूफ डायरिया तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और जो कॉलरा में देखने को मिलता है वो होता है राइस वाटर स्टूल राइस वाटर स्टूल और डिसेंट्री में क्या होता है ब्लड में स्टूल में ब्लड और म्यूकस जो मिक्स होता है उसको डिसेंट्री कहते हैं पोलियो में क्या होता है स्टूल में जो वायरस पोलियो का वायरस देखने को मिलता है क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइफाइड फीवर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा क्लिनिकल फीचर है जो टाइफाइड फीवर में देखने को मिलता है ऑप्शन ए रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया ऑप्शन बी स्प्रीनो मंगेली ऑप्शन सी पी सुप डायरिया ऑप्शन डी आल ऑफ एब देखिए जो टाइफाइड फीवर में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है वो होता है आल ऑफ एबव तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसमें क्या होता है ब्रेडिकाडिया भी देखने को मिलता है स्प्रिनो मंगेली भी देखने को मिलती है और पी सूप डायरिया जो होता है ये भी देखने को मिलता है और सभी जो फीवर होते हैं उसमें ब्रेडिकाडिया नहीं बल्कि टैकी काडिया मिलता है लेकिन जो टाइफाइड फीवर होता है इसमें ब्रेडिकाडिया देखने को मिलता है तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है क्योंकि ये सभी क्लिनिकल फीचर जो हैं वे देखने को मिलते हैं टाइफाइड फीवर में ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड ओरल वैक्सीन इज गिवन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टाइफाइड ओरल वैक्सीन होती है वह कब दी जाती है ऑप्शन ए वन थर्ड और फिफ्थ डेज ऑप्शन बी वन सेकेंड और थर्ड डेज ऑप्शन सी वन सेकेंड और फोर्थ डेज ऑप्शन डी वन सेवेंथ और फोर्टीन डेज देखिए जो टाइफाइड ओरल वैक्सीन होती है वह वन थर्ड और फिफ्थ डे पर दी जाती है तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर वन थर्ड और फिफ्थ डे पर टाइफाइड ओरल की वैक्सीन जो है वह दी जाती है तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिडाल टेस्ट इज पॉजिटिव इफ द एंटीजन टाइटर मोर देन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बिडाल टेस्ट होता है वह पॉजिटिव कहलाता है जब एंटीजन टाइटर कितने से अधिक होता है ऑप्शन ए वन रेशियो वन सिक्सटी इन एन एक्टिव इन्फेक्शन ऑप्शन बी वन रेशियो एट्टी इन एन एक्टिव इन्फेक्शन ऑप्शन सी वन रेशियो सेवेंटी इन एन एक्टिव इन्फेक्शन ऑप्शन डी वन रेशियो नाइंटी इन एन एक्टिव इन्फेक्शन देखिए जो एंटीजन टाइटर होता है वह वन रेशियो वन सिक्सटी में होना चाहिए तो ऑप्शन इज द राइट आंसर या तो वन रेशियो वन सिक्सटी इक्वल हो या मोर देन वन रेशियो वन रेशियो वन सिक्सटी होना चाहिए या तो इक्वल हो या मोर देन हो तो बिडाल टेस्ट जो होता है वह पॉजिटिव कहलाता है इसमें ओ और एच दोनों के टाइटर जो होते हैं वह वन रेशियो वन सिक्सटी के इक्वल या फिर मोर देन होनी चाहिए तभी पॉजिटिव कहलाते हैं तो ऑप्शन इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड फीवर इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है जो टाइफाइड फ़ीवर होता है वह किसका एग्जाम्पल होता है ऑप्शन ए एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑप्शन बी क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन ऑप्शन सी क्रोनिक ग्रलोमेटस इन्फ्लामेशन ऑप्शन डी क्रोनिक सुपरेटिव इन्फ्लामेशन देखिए टाइफाइड फीवर होता है वह एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है तो ऑप्शन इज द राइट आंसर जो टाइफाइड फीवर होता है वह एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है किसका इंटेस्टाइन का तो ऑप्शन इज़ द राइट आंसर जो सलमोन टाइफी नामक नमक बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है थैंक यू खुश रहो मस्त रहो मेहनत से पढ़ते रहो जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना